ओम श्री विष्णवे नमः। आज दिव्य एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आज ज्येष्ठ माह की एकादशी है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में दो एकादशी आती है, जिसमें से अपने आप में यह तिथियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। साथ ही आप सभी जानते होंगे साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं। इन एकादशियों में भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य करते हैं। कहा जाता है एकादशी व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है और इस साल अपरा एकादशी 2 जून 2024 के दिन रखा जा रहा है। हालांकि कई भक्तजन 3 जून को भी व्रत धारण करते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ ही सूर्य नारायण भगवान की भी आराधना करना बहुत फलकारी माना जाएगा। अपरा एकादशी के दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर से श्रवण करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा परिवार में बरसती है। कथा इस तरह से है, आप सभी मेरे साथ कथा श्रवण करने से पहले प्रभु की आराधना जरूर से कीजिएगा। मेरे साथ बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा, इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व बताते हुए कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राजा ने महीध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो कि बहुत अधिक अधर्मी, क्रूर और पापी था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वज्रध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे उसने इसे गाड़ दिया। चूंकि राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इस कारण से उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ में वह रहने लगे। प्रेत आत्मा के बाद वह धरती पर बहुत अधिक उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने धौम ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए, ये तो वही राजा है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक में प्रभु की कृपा प्राप्त कर और सतलोक में जो है जो जाने का है मार्ग है वह बताया। साथ ही ऋषि धौम ने उसे प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए। वरदान तो ऋषि ने विष्णु जी से सिर्फ यही मांगा कि उस प्रेत आत्मा को जो मैंने सतमार्ग का ज्ञान सुनाया है और उसके निमित्त मैंने जो एकादशी का व्रत किया है संपूर्ण फलों से प्राप्त हो और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिले, यही उन्होंने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में स्वर्ग की ओर चले गए। कितनी सुंदर बात है, परहित हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस तरह से राजा ने अपनी एकादशी का संपूर्ण फल उस प्रेत योनि में गुजर रहे राजा को दिया, इस तरह से जो भी एकादशी व्रत करता है उसके पितृ भी इससे सुख प्राप्त करते हैं और जाने अनजाने में हुए कोई भी पाप कर्म, भूलवश भी हुए हो मन कर्म वाणी से, तो उनसे पूर्व मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी भी अगर आज एकादशी व्रत कर रहे हैं तो यह तो बहुत उत्तम है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो इन सरल से कार्यों को जरूर से करें। जैसे कि आज के दिन अन्न का दान, जल का दान, खासतौर पर गरीब, निर्जीव और ओमकार के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर, मनुष्य हो या जो पशु पक्षी हों, उन्हें आप इन दिनों जल का दान कर लेते हैं, पेड़ पौधों को जल समर्पित करते हैं सुंदर भाव से, तो आपके भाग्य स्वतः ही खुलते हैं और पितरों की भी असीम कृपा इससे मिलती है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि विष्णु की आराधना के साथ इन वस्तुओं का दान करें, खासतौर पर छाता, जूते, चप्पल, कूलर, पंखा, ठंडक दिलाने वाली चीज़ों का दान करें। आपके जीवन में प्रभु की ऐसी असीम कृपा होगी कि आप देखते रह जाएंगे। 2 जून को जो भी भक्त एकादशी का व्रत करेंगे वह 3 जून सुबह के समय
8:06 से 8:24 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। सरल सी पूजा इसकी विधि होती है। भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए यह दिन समर्पित है और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हिंदी में अपार अर्थात अपरा एकादशी का अर्थ होता है। अपार शब्द का अर्थ असीमित, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है और जीवन में वह पार उतर जाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में भी बतलाया गया है। अपरा एकादशी पूरे देश में पूर्ण रूप से मनाई जाती है। इस दिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे जम्मू, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में इसे भद्रकाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन देवी भद्रा काली का पूजन का भी शुभ विधान होता है। वहीं उड़ीसा इत्यादि में जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह मनाया जाता है। एकादशी तिथि के दिन आप सभी तामसिक आहार और विचार से पूर्ण रूप से दूर रहें। भगवान विष्णु और श्रीहरि जो कृपा है वह आपको पूर्ण रूप से इससे मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मन भगवान की भक्ति में लगाएं। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन करने से बचें। किसी भी स्वरूप में नाखून बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत सरल पूजा विधि होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन आप व्रत रखते हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ रंग के कपड़े पहने फिर श्रीहरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र समर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करें। श्रीहरि विष्णु को केसर का तिलक लगाएं, स्वयं भी इस तिलक को धारण करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, बहुत अच्छा इससे फल मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग लगाएं, साथ ही भोग में आवश्यक रूप से तुलसी दल समर्पित करें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। द्वादशी तिथि पर जरूर से आप सभी विशेष तौर पर माँ तुलसी का पूजन करें। पूरे दिन भर में जितना संभव हो प्रभु चित्त में अपना ध्यान आकर्षित करें और आप सभी जो है आवश्यक रूप से एकादशी व्रत में संभव हो तो रात्रि जागरण करें। ब्रह्म मुहूर्त में जो पारण का समय बताया है उस शुभ समय में आप सभी उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए द्वादशी तिथि पर और ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकालें, गौ माता को रोटी खिलाएं, उसके बाद प्रभु के आगे क्षमा प्रार्थी होकर चावल जरूर से खाने चाहिए और भगवान को चावल का भोग लगाकर स्वयं भी उसे प्रसाद में ग्रहण करें। तो इस तरह से एकादशी व्रत की दिनचर्या होती है। यह दिन एक तरह से चमत्कारी माना जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ दान पुण्य खासतौर से जल दान, दीप दान और प्रभु का चिंतन लाख गुना फलों की प्राप्ति प्रदान करवाता है। तो कोशिश करें अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आप इन सरल से कार्यों को करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।